अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद नजीब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नजीब व्लॉग्स। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन वीडियो जो कि गेमिंग कंप्यूटर यानी कि गेमिंग पीसी बिल्ड के ऊपर होने वाली है, और इसमें हम आपको आज दिखा रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की बिल्ड जो कि बेहतरीन गेमिंग बिल्ड होने वाली है। वीडियो गेम्स लवर और जो कि अभी न्यू बिल्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस बिल्ड में हमने आपको बताया है कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज़ होते हैं एक बेहतरीन बिल्ड बनाने में। हमने इसमें आपको हर किस्म के इसके बिल्ड के जो एसेसरीज़ है वो दिखाने की भरपूर कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो। जी तो नाज़रीन, अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई जो कंप्यूटर की जान होती है उससे, ये देखें हम ये पावर सप्लाई इसमें यूज़ कर रहे हैं जो कि 600 वाट की है, और इसके अंदर आपको आरजीबी लाइटिंग फ़ैन भी देखने को मिलता है। इसमें हमने प्रीमियर B760MA एसुस का मदरबोर्ड यूज़ किया है जो कि 12 जनरेशन सपोर्टेड है। हम इसमें यूज़ करने वाले हैं एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड है, 16 GB का है, E3050। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ARGB हीट सिंक, तमाम एसेसरीज़ की लिस्ट जो है हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई, आप वहां से चेक कर सकते हैं। GB रैम। तो फ्रेंड्स, हमने मदरबोर्ड और प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग कर दी है और प्रोसेसर को मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया है, और अब इसके ऊपर बारी है हीट सिंक लगाने की। तो अभी हम जो है इसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक जो होती है हम मदरबोर्ड पे पहले से लगाते हैं इसको केसिंग में इंस्टॉल, मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले हीट सिंक पहले लगती है। अभी हम इसके अंदर हीट सिंक लगा रहे हैं। हीट सिंक जो कि आपके प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कूलिंग देने के लिए, कूलिंग फ़ैन भी कह सकते हैं आप उसको। तो अभी जो है हम ये देखें जी, ये हमारी हीट सिंक है जो कि इस पे इंस्टॉल होगी इस तरीके से। और ये आपको बॉक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स इसके मिलते हैं जो कि इसको इस तरह से रख के इंस्टॉल किए जाते हैं। ये आपको मिलता है इस तरह का बना हुआ एक केस फ्रेम है, ये इसको ऐसे रख करके आप इसको बैक साइड पे मूव करेंगे मदरबोर्ड को, और ऊपर से ये कंपोनेंट्स लगेंगे और उसके ऊपर हमने हीट सिंक को एडजस्ट करना है। फ्रेंड, ये है हमारी केसिंग जो कि बिल्कुल हमने फ्रेश केसिंग ली है। तीन इसमें आरजीबी फ़ैन दिए गए हैं, और अब हम इसमें जो है इंस्टॉल करने वाले हैं सबसे पहले पावर सप्लाई।
इस पावर सप्लाई की खासियत यह है कि इसका जो फ़ैन है वो भी RGB लाइटिंग के साथ है। ये हमारे रियान भाई हैं जो कि बिल्ड के हवाले से बहुत ही एक्सपर्ट। तो हमने पावर सप्लाई केसिंग के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। आप ये देख सकते हैं हम पावर सप्लाई को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये गेमिंग बिल्ट है। जो भी हमारे बहन भाई हमसे गेमिंग बिल्ट बनवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें और हमें कोटेशन बताएं, हम उनकी बिल्ट तैयार करेंगे और उनकी वीडियो के साथ बिल्ट तैयार होएगी। ये देखें जी, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड बिल्ट गेमिंग पीसी तैयार हो रहा है। और यह हमारी हार्ड डिस्क अभी इंस्टॉल की जा रही है इस केसिंग के लिए। ये देखें, ये 2 TB की हार्ड ड्राइव हमने इसमें यूज़ की है। ये देखें जी, ये कुछ तरीक़ाकार भी आपको हम बता रहे हैं ताकि आप अपनी बिल्ड को चेक कर सकें और खोल के दोबारा नई कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर सकें। अभी हम मदरबोर्ड पे फिक्स करने वाले हैं NVMe को, जो कि 256 GB की हमने बाई की है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बॉक्स पैक में। आप देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की जा रही है। ये देखें जी, ये इस तरह की पैकिंग में होती है ये। ये देखें जी, ये है हमारी 256 की NVMe। ये देखिए, और इसके ऊपर अब हम ये कवर लगा देंगे। हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं हीट स्ट्रिंग को। ये देखें जी, ये हीट स्ट्रिंग, इसके ऊपर हम अभी इसको फिक्स कर देते हैं। पूरा इसका हमने साटा, आपको बॉक्स के अंदर 2 साटा केबल्स मिल जाएंगी मदरबोर्ड के बॉक्स में। अब हम जो है मदरबोर्ड को केसिंग के अंदर फिक्स कर रहे हैं। अच्छे तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से मजबूती के साथ इसको आप लगा लें मदरबोर्ड को, ताकि कोई भी लूजिंग ना रहे इसके अंदर। ये देखें जी, हमने इसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो इंस्टॉल करना है। ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करने से पहले आप अच्छे तरीके से मदरबोर्ड की केबलों को चेक कर लीजिए, कोई सी लूजिंग तो नहीं है। अच्छे तरीके से आप इसको मदरबोर्ड को फिक्स करिए। देखें रिहान भाई, बहुत ही अब ग्राफिक कार्ड्स हमने इसको बहुत ही एहतियात से इंस्टॉल करना है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। तमाम पावर केबल्स कनेक्शंस लगाने के बाद हमने पीसी बिल्ड को ऑन किया, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिल्ड कितनी खूबसूरत लग रही है और ऑन हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। गेमिंग बिल्ड के हवाले से है ये गेमिंग पीसी बिल्ड, ये हमने तैयार की है अपने हाथों से, और बिल्कुल आप भी ये बिल्ड बनवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, हमसे रब्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।